वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एसआरके की मूवी डोंकी और प्रभास की मूवी सालार के साथ साथ जवान का भी कुछ अपडेट देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मूवी जवान की, जहाँ ये मूवी को रिलीज होने को 7 दिन बीत चुका है, वहीं इसका वर्ल्ड वाइड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सभी का नजर है। मूवी की फर्स्ट वीक की कलेक्शन जहाँ इंडिया में 368 करोड़ को टच कर चुका है, वहीं वर्ल्ड वाइड ये मूवी 574 करोड़ की कलेक्शन करने में सफल रही है। बात करें नेक्स्ट एसआरके की मोस्ट अवॉर्डेड मूवी डोंकी के बारे में, तो जहाँ जवान और पठान की सक्सेस के बाद एसआरके की फैन मूवी डोंकी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2023 की इस ईयर में एसआरके की और कोई मूवी रिलीज होता हुआ नहीं नजर आएगा। मेरा मानो तो ये बात कई हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि 2023 ये ईयर को खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ही बचा है, और ये 3 मंथ में टाइगर 3, एनिमल और सालार ये तीनों बिग बजट मूवी रेसिंग में है। तो अगर हड़बड़ी में बिना किसी प्लान के साथ ये मूवी को इन तीनों में से किसी मूवी के साथ क्लैश कर दिया जाए तो नुकसान मूवी मेकर्स के साथ साथ एसआरके की भी होगा। तो उस वजह से हो सकता है ये मूवी 2023 में रिलीज ना होके 2024 में रिलीज हो। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा मूवी डोंकी के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है पठान मूवी में सलमान खान की कैमियो था, ठीक उसी तरह टाइगर 3 मूवी में एसआरके की कैमियो हो सकता है। और ये बात कहने के पीछे भी एक छोटा सा रीजन है, डोंकी मूवी में एसआरके की रोल और गेटअप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा इस मूवी में एसआरके एक सोल्जर के गेटअप में नजर आएंगे, और ऊपर से टाइगर 3 मूवी एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये सब चीज को अगर गौर किया जाए तो ऐसा हो सकता है टाइगर 3 में एसआरके की मूवी डोंकी का कुछ केमियो नजर आए, और एसआरके की 2 नवम्बर में बर्थडे भी है, तो उस वजह से मूवी की टीजर या फिर ट्रेलर इस दिन आप लोग को देखने को मिल सकती है। आप लोग को याद होगा मूवी जवान रिलीज होने से ठीक 7 दिन पहले सालार मूवी पोस्टपोन हुआ था, लेकिन किस कारण के वजह से ये मूवी पोस्टपोन हुआ ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया था। तो उस वजह से सालार को लेकर मूवी मेकर्स के द्वारा एक बड़े अपडेट आई है। अभी मूवी पोस्टपोन होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो दिया मूवी मेकर्स ने वो ये था कि अपने व्यूअर्स को कुछ अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मूवी में कुछ ऐड करना था, तो उस वजह से मूवी कुछ दिन के लिए डिले हुआ। जो भी हो मूवी 2023 की नवंबर या फिर दिसंबर महीने पे ही आएगा, इसका यही एक रीजन है कि सालार केजीएफ की यूनिवर्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं सालार अगर डिले होता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट केजीएफ चैप्टर 3 की मूवी के ऊपर पड़ेगा।